हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा कल जहाँ पे खत्म हुआ था उसके आगे टॉपिक है क्वथनांक। और कल ये मैंने समझाया भी था आपको, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हेडिंग आपकी पढ़ी थी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, ये एक हमने पात लिया था, मैंने बोला था इसको हम लोग गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो इसके जो ये अणु होंगे ये वाष्प में बदलेंगे, और ये हमारा वातावरण है जिसका दाब रहता है 1 atm, 1 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, यहां का जो दाब है, हमारे ऊपर का वातावरण जो है उसका दाब 1 वायुमंडलीय दाब रहता है। तो यहां से ही जो अणु निकलते हैं वाष्प में बदलने के लिए, यहां से निकलते हैं और यहां पर आते हैं। जब यहां पे आते हैं तो वायुमंडलीय दाब कितना है? 1 वायुमंडलीय दाब। तो अगर इन वाष्प में बदलने वाले कणों का वाष्प दाब, इनका क्या होगा? वाष्प दाब। अगर इनका वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब से ज्यादा या बराबर है तो ये वाष्प में बदलेंगे, और अगर इनका वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं है तो ये वाष्प में नहीं बदलेंगे, ये फिर से नीचे लौट आएंगे। ठीक है ना? तो जिनका वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वो क्या हो जाते हैं? वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। और जिनका वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होता है वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यानी कि कहने का अर्थ हमारा यह है कि वह ताप जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तथा द्रव उबलने लगता है, उसे उस ताप को या उस ताप को क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आपने देखा होगा घर में जब पानी गर्म करते हैं, हल्का गुनगुना करना है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा गर्म कर लिया काम हो गया आपका। लेकिन पानी को अगर उबालना है आपको, आप देखते हैं उसको आप स्टोव पे रखेंगे या आपको गैस चूल्हे पर रखना है, रखेंगे उसके आग जलाएंगे, धीरे धीरे पानी गर्म होगा, गर्म होता जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो उबलने लगेगा। तो उबलता कब है? जब उसमें निकलने वाली जो वाष्प है उस वाष्प का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और जिसके कारण वो द्रव उबलने लगता है। तो पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 373 केल्विन होता है। अब ये डिग्री सेल्सियस केल्विन क्या है, मैं ये आपको बताऊंगा, ये हर एक पॉइंट समझाऊंगा, पहले आप इसको समझिए पहले। ठीक है ना? फिर डिग्री सेल्सियस में कैसे प्रवेश करते हैं क्वथनांक और केल्विन में कैसे जाते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको। तो परिभाषा क्लियर हो गए? मैं क्या बोला? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तथा द्रव उबलने लगता है, और द्रव उबलने लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं क्वथनांक की परिभाषा। लिखिए, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब
वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तथा द्रव उबलने लगता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। केल्विन के लिए के लिखते हैं बेटा, केल्विन। हो गया, चल आगे देखिए। अगली हेडिंग, है गलनांक। अगली हेडिंग है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब गलना, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक मतलब ठोस क्या होगा, ध्रुव में चेंज होगा। जब कोई ठोस पूर्ण रूप से ध्रुव में बदल जाता है और जिस ताप पर यह क्रिया होती है उस ताप को गलनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में बदल जाता है, गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक है ना, बर्फ का पिघलना। तो मैंने क्या बोला है, वह ताप जिस पर कोई द्रव सॉरी वह ताप जिस पर कोई ठोस पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाता है,
परिवर्तित हो जाता है। वाताप जिस पर कोई ठोस पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। गलनांक कहलाता है वह ताप को, क्या बोलते हैं, गलनांक कहलाता है, ठीक है। जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक है, बर्फ क्या है, ठोस है, उससे क्या बनता है, जल, लिक्विड, ठीक है ना, गलनांक हो गया, क्लियर ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, चलिए बर्फ का गलनांक बता देता हूं कितना होता है। बर्फ का गलनांक जो है आपका 273.16 केल्विन, के का मतलब केल्विन है, इस के का मतलब केल्विन, 273.16 केल्विन होता है बेटा। गया, हो गया, अगली हेडिंग है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का मतलब है छुपी हुई ऊष्मा, जो छुपी हुई होती है, ठीक है ना। मैं समझाता हूं आपको, देखिए कैसे, ये बर्फ है, बर्फ के टुकड़े हैं, तो आप जानते हैं इस बर्फ को अगर हम वेपर में बदलें, वाष्प में बदलें, वाष्प में बदलेंगे, तो मान लीजिए मुझे 20 जूल ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है, इस बर्फ को अगर वाष्प में बदलना है तो 20 जूल ऊष्मा देनी पड़ेगी। अगर कोई हम लिक्विड लें, कोई द्रव लें, या आप जानते हैं बर्फ कैसा था, ठोस था, और अगर कोई हम द्रव लें और उसको हम गर्म करें, उसको वाष्प में बदलें, तो उसे हमें 15 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस ठोस को जब मैं वाष्प में बदलता हूं तो 20 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, और जब मैं किसी द्रव को वाष्प में बदलता हूं तो 15 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, 15। तो आप देख रहे हैं दोनों में जो है 5 का अंतर है, 5 जूल जो है, जूल ऐसे लिखते हैं, जूल, 5 जूल का अंतर है। तो आप देख रहे हो कि इसमें 5 जूल ऊष्मा जो है अधिक लग रही है और इसमें 5 जूल ऊष्मा कम लग रही है, तो इसमें 5 जूल अधिक लगी, यानी कि 5 जूल ऊष्मा वो छुप गई, उस छुपी हुई ऊष्मा को हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। पॉइंट क्लियर हुआ। एक बर्फ को अगर वाष्प में बदलना है
तो मुझे 20 जूल ऊष्मा देनी पड़ेगी। किसी द्रव को अगर मुझे वाष्प में बदलना है तो 15 जूल ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो इनमें जो अंतर है वो 5 का अंतर है, 5 जूल ऊष्मा का। वो 5 जूल ऊष्मा जो है हमारी वो छुपी हुई है, यानी कि वो गुप्त ऊष्मा है हमारी। ओके चल लिखिए इसमें, इसमें लिखिए। अब जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचता है, तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी या तापमान में और भी अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी या तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। ऐसे पदार्थ द्वारा उस उसमें ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण होता है। यह ऊष्मीय ऊर्जा यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में
छुपी रहती है, छुपी रहती है, इसे ही, इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना, इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हो गया, हो गया। इसके बाद में अगली आपकी हेडिंग है, फाइनली है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशियन, फ्यूशियन संगलन की प्रसुप्त उष्मा। यहां पे एक और नाम है नया, प्रसुप्त, प्रसुप्त उष्मा। ठीक है ना, गुप्त उष्मा है बेटा भाई, गुप्त उष्मा ही हमारा है, लेकिन एक नया नाम आया तो मैंने लिख दिया है प्रसुप्त। एनसीईआरटी बुक में दिया है नया नाम, तो मैंने प्रसुप्त भी लिख दिया यहां पे, क्योंकि नया नाम है बेटा, जितना जल्दी याद करोगे उतना ही आपके लिए काम आएगा। प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा, ज्यादा दिक्कत करे बेटा यहां पे, इंग्लिश देखो बेटा, इंग्लिश वही है, इसीलिए मैं इंग्लिश लिख देता हूं बेटा। हो गया, समझिए, सुनना और सुनना बेटा आपका। एक किलोग्राम ठोस लिया जाए, ठीक है, कितना, एक किलोग्राम ठोस लिया जाए और उसको जो है उसके गलनांक पर, किस पर, गलनांक पर, और कहां, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर एक किलोग्राम ठोस लिया जाए, उसको गलनांक पर किसमें बदला जाए, द्रव में बदला जाए। तो वायुमंडलीय दाब पर एक किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा हम देंगे वो ऊष्मा कहलाती है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। क्या मैंने बोला, फिर से सुनिए, वायुमंडलीय दाब पर एक किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। कितना, एक किलोग्राम ठोस। अब इस ठोस को कहां ले जाना है, द्रव में, तो इसको द्रव में बदलने के लिए मुझे ताप देना पड़ेगा, मतलब ऊष्मा देनी पड़ेगी, हीट देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करने के लिए मुझे जो ऊष्मा मुझे देनी है, जो हीट देनी है मुझे, वो हीट जो है प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बस कंडीशन है गलनांक पर कहलाना है ना इसको हमको, और वायुमंडलीय दाब। तो मैंने जो बोला है वायुमंडलीय दाब पर एक किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। हो गया, चल अब लिखिए डिफरेंस को इसकी।
वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर एक किलोग्राम ठोस एक किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है होती है उसे संगलन की संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं जैसे जीरो डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है क्योंकि जल के कणों की ऊर्जा उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा होती है जो जल के कणों द्वारा अवशोषित होती है और कर लीजिए
नोट हो गया, पहले नोट कर लीजिए। नोट हो गया, इसके आगे का हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।